नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। सिलपरा नहर में डूबे लड़के का शव मिला, दोस्तों के साथ गया था बर्थडे पार्टी मनाने, उसी दौरान हुआ हादसा, परिजनों का हत्या का आरोप, बिछिया पुलिस कर रही जांच। दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गए युवक का सिलपरा नहर में बहने के बाद कई घंटों बाद शव किया गया बरामद। शव परिजनों के हवाले, पोस्टमार्टम के बाद संजय गांधी अस्पताल में कर दिया गया है। परिजनों ने संजय गांधी अस्पताल में जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हत्या की आशंका जताई। हम आपको बता दें, बीते दिन घर से निकला था कोचिंग जाने के लिए छात्र, लेकिन पहुंच गया दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने सिलपरा नहर में, सिलपरा नहर के पास पार्टी कर रहे थे लड़के। उसी दौरान युवक नहर में बह गया। कई घंटे की तलाश के बाद उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने मार्ग कायम कर मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। हम आपको बता दें, बिथिया थाना क्षेत्र के बढ़ौरा टोला निवासी आशीष पांडे बुधवार की दोपहर अपने दोस्त आकाश पटेल नए बस स्टैंड व गजराज पांडे सुंदर नगर के साथ बिछिया थाने के सिलपरा नहर के किनारे पार्टी मनाने गए थे। किसी दोस्त का बर्थडे था, इसी दौरान आशीष नहर में बह गया। इस दौरान उसके साथ मौजूद दोस्तों ने हल्ला भी मचाया, जिसे सुनकर वहां मौजूद गार्ड के आते ही दोनों युवक शायद डर गए होंगे, वहां से भाग गए, स्कूटी लिए हुए थे। गार्ड ने उनके वाहन का नंबर देख लिया था, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की तलाश की, लेकिन उसकी तलाश अधूरी रह गई। नाव मंगाई गई, उसके माध्यम से युवक के शव की तलाश प्रारंभ हुई। अंततः काफी घंटों बाद पुलिस ने युवक का शव बरामद कर लिया। सुबह गोताखोरों की टीम ने ये काम किया। दिन भर सर्चिंग के बाद शाम को उसका शव बरामद कर पाए थे। परिजनों ने दोनों युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। नहर में डूबे युवक के पिता रीवा शहर के बाहर नौकरी करते हैं। सूचना पाकर वह रीवा पहुंचे। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए अपने बेटे की हत्या की आशंका जताई। वो चाहते हैं पुलिस गंभीरता से उनके बेटे की मामले की जाँच करे। हालांकि बिछिया पुलिस मामले की जांच कर रही। आइए आपको सुनाते हैं परिजनों ने क्या कुछ कहा। सर, मैं चिरौला कॉलोनी वार्ड नंबर 43 का रहने वाला हूं, रामसागर मंदिर के पास। मेरा बेटा 9:30 बजे कोचिंग के लिए निकला आकाश सेंटर रीवा कल सुबह। उसके बाद 2:45 तक कोचिंग थी इसकी, 3 बजे कोचिंग से निकला। उसके बाद एक यशराज पांडे और आकाश पटेल था उसके साथ गया, वो सिलपरा नहर पिकनिक के लिए। और वहाँ 4 बजे लास्ट टाइम बात हुई है घर से कि मैं आ रहा हूँ, कोचिंग से घर आ रहा हूँ। उसके बाद 4:30 बजे इसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। और ये जो दोनों लड़के हैं, इनके ऊपर पूरा मुझे शक है कि ये लोग मार के फेंके हैं मेरे बेटे को, क्योंकि सर से लेके पांव तक छोटी चोट है। और डूबने से मृत्यु होती है तो पेट में पानी भरता है, इसके पेट में बिल्कुल पानी नहीं है, पेट बिल्कुल पिचका हुआ है और पूरे शरीर में चोट है। कैसे जानकारी मिली आपको कि वहाँ पे घर नहीं गए रात? ये जानकारी मुझे मिली घर के द्वारा, मैं तो बाहर था, शेडोल में नौकरी करता हूँ रिलायंस में, तो घर के द्वारा मुझे जानकारी मिली और मेरे साले शिवेंद्र मणि त्रिपाठी के द्वारा कि आ गया था रात में ही, तो उनके द्वारा जब मुझे जानकारी मिली कि बच्चा आपका गुमशुदा है, ठीक है, तो मैं सुबह इधर 9:30 बजे आया। उसके बाद सूचना दी है क्या रात में? 100 नंबर को फ़ोन लगाया था मैं, तो 100 नंबर को फिर वापस रिप्लाई आया कि एक लड़के की नहर में गिरने की सूचना प्राप्त हुई है। ठीक, वहाँ हम लोग फिर साला तो रात में ही वहाँ चला गया था थाने में, मैं सुबह आया। रेस्क्यू करके बॉडी निकाली गई? हाँ, रेस्क्यू करके बॉडी निकाली गई। क्या देखें आप? 4 बजे के आसपास बॉडी में सर मेन सर पे चोट है, बहुत ज़्यादा चोट है सर पे, गहरी चोट है और शरीर के हर अंग में चोट है, सर से लेके पाँव तक। तो मुझे मामला संदिग्ध लग रहा है, ये मर्डर का केस है सर। विवाद की कोई सूचना मुझे नहीं है? नहीं नहीं सर, कोई नहीं है, बच्चा कभी नहीं वहाँ नहीं जाता, उसको ले जाया गया है। सर ये 12th पास आउट कर लिया था, नीट प्रिपरेशन में था। हाँ सर,
दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।